लॉकडाउन के दौरान गरीब और बेसहारा लोगों के सामने खाने का संकट आ गया है, जिसे निपटने के लिए देश के कई लोग सामने आए हैं और बेसहारा लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम उस शख्स का है जो बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे इन लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के सीनियर लीडर सुभाष यादव की, जिनकी कोशिशों से हजारों लोग इस मुसीबत की घड़ी में अपना पेट भर रहे हैं। झारखंड में वो अब तक 500 क्विंटल अनाज चतरा और कोडरमा इलाके में बांट चुके हैं। बरकट्टा, जदनवार, चतरा, पाकी, मनिका, सिमरिया, छतरपुर, गढ़वा और विश्रामपुर के इलाकों में स्वयंसेवी संगठनों और प्रशासन की मदद ने इनकी ओर से लोगों का पेट भरने की कोशिश जारी है। इनके अलावा बिहार के अरवल, कुर्था, सोनपुर इलाकों में भी इनकी ओर से सैकड़ों क्विंटल अनाज का वितरण जरूरतमंदों के बीच किया जा चुका है। बिहार और झारखंड के जो लोग अपने सूबे के बाहर इन दिनों मुसीबत में फंसे हैं और पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा समेत भारत के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं, उन लोगों को अकाउंट में पैसे देकर भी लगातार मदद किए जा रहे हैं।